नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? प्यारे दर्शकों, वनस्पति तंत्र अद्भुत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जाइए वहां पर एक हाफ प्लेट चाउमीन रखाइए, आपको तीन तीन अप्सरा मिलेंगी, क्योंकि आज की डेट में लोगों ने मजाक बना दिया। हमारे सनातन धर्म का उपहास हो रहा, बड़ी पीड़ा हो रही है। लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं, आपके घर के आसपास पार्कों में, नालों के किनारे, नहर के किनारे, झाड़ियों में, रेलवे लाइन के किनारे ये पौधा बहुत देखा जाता है। तो ये पौधा मैं आपको दिखा रहा हूं, सबसे पहले आप पहचान लीजिए, ये है। इसे बोलते हैं स्वर्ण छिरी, भड़बड़ा और पीला धतूरा भी कहीं कहीं बोला जाता है। आप पहचान तो गए होंगे। अब चलिए इसका चमत्कार बताते हैं। ये औषधि करोड़ों रुपए की है, करोड़ों। जैसे दूर्वा लोगों के लिए एक मामूली घास दिखती है, लेकिन क्या मालूम है दूर्वा से मरते हुए व्यक्ति को बचाया जा सकता है? क्या जानते हैं आप, दूर्वा से असाध्य टीबी के रोगों का इलाज होता है? क्या आपको मालूम है दूर्वा से जिसके घर में पुत्र ना हो रहे हो वो पुत्र देती है? दूर्वा साक्षात मां भगवती का एक समझ लीजिए कि अंश है, एक मात्र रूपी है। इसीलिए दूर्वा को हर वैदिक कार्य में, दूर्वा के बगैर वैदिक कार्य अधूरा रहता है, जिस प्रकार कुश। तो इस भड़बड़े के पौधे को, जिसे हम स्वर्णचिरी भी बोलते हैं, इसका क्या चमत्कार है, चलिए मैं बताता हूं। उससे पहले निवेदन है कि वीडियो आपके लिए बनाता हूं, वही वीडियो बनाता हूं जो जांच परख और इसको प्रैक्टिकल कर लेता हूं। हम और हमारी टीम किसके लिए मेहनत करती है? आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, कि कहीं आप तंत्र मंत्र जादू टोना के चक्कर में, गलत बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, जो कि इस समय देख ही रहे हैं कि सनातनी नाम बदलकर बहुत सारे लोग टहल रहे हैं। तो प्यारे दर्शकों, चलिए इसका प्रयोग बताते हैं। ओम वंदे ओम चित्रहते नमः इति। ये वंदे भी से इसका इजाजत यानी आदेश लेना जरूरी है। तो चलिए, करना क्या है प्यारे दोस्तों, शाम को करो, सुबह रिजल्ट देखो। इसका रिजल्ट यानी शाम को इसको करना है, मंगलवार शनिवार की शाम को ऐसे पौधे देख लीजिए। और करना क्या है, चलिए मैं बताता हूं। आपके घर में, आपके परिवार में अक्सर कोई ना कोई एक व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में मैं ज्यादा कर रहा हूं कि बता रहा हूं कि ग्रामीण में तो बहुत मिल जाएंगे कि जो लोग होती है बीमारी, लेकिन उनको लगता है किसी ने जादू करा रखा है, सर पकड़ा हुआ घुमा दे रहा है, चक्कर आ रहा, चुभ हो रहा है, चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा, इस तरीके के नाना प्रकार की बेवकूफी के चक्कर में पड़कर तांत्रिकों के पास जाते हैं। फिर वो कहानी असली वहीं चालू होती, वो बताते खिला रखा है, पिला रखा है, पेट में बैठा रखा, नस में घुसेड़ रखा है। अब बताइए, वो बेचारा अपोध है, जानकार नहीं है, अनभिज्ञ है, तो आप जैसा बताएंगे वैसा होगा, जैसे आज की डेट में खेल चल रहा है। कहने का मतलब, आपके घर में कोई भी साइको पीड़ित हो, जिसको लगे बार बार पानी से हाथ धुल रहा है, उसको डाउट वाला है, साइको है, ठीक है, फोबिया है, या उसको भूत प्रेत लगता है कि हाँ मेरे ऊपर भूत प्रेत है, अगर होगा भी किसी प्रकार की नकारात्मक चीज है, ध्यान रखिए, अब ये सारी थिंग नकारात्मक तो ही है, ये सारी सोच, सारी क्रिया नकारात्मक है, तो इनको वन टाइम में कैसे हम डिलीट करें यानी खत्म करें,
मैंने बताया ना, मंगलवार या शनिवार को ऐसे रोगी को सामने बैठाएं रात को, और उसी का पहने हुए कपड़े लेना है, उसी का पहना हुआ कपड़ा लेना है, और काले तिल के तेल में उस कपड़े को डुबो के ऐसे निचोड़ना है, और उसके पूरी बॉडी पर पोंछना है, जैसे तवल से पोंछते हैं, एक एक कान नाक सब पोंछना है। पोंछना जो है उसको पूरब मुख बैठाना, और आप पश्चिम मुख होके उसके पूरी बॉडी को पोंछेंगे। पोंछने के बाद उसको बोलो वहीं बैठा रहे, और आप ये कपड़ा लेके इस भड़भड़े के पौधे के पास जाइए, इसके ऊपर लपेट दीजिए। अब लपेटने के साथ बोलना, आज से तेरा स्थान यही है, लौट के मेरे पीछे मत आना, लौट के मेरे पीछे मत आना, यहीं रहना, इसी जगह तेरा स्थान है। ये एक बहुत अचूक टोटका है, बहुत अचूक टोटका, जो बड़े बड़े तंत्र मंत्र जादू टोने अनुष्ठान नहीं कर पाते, दवाएं नहीं कर पाती हैं, वो ये करेगा। ये बोलने के बाद आप पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे घर चले आना। घर आने के बाद हाथ पांव धुलकर तब घर में आप एंट्री करिए, और रोगी को बोल दीजिए कपड़े पहना के नहला धुला के जो करना वो आराम करे। ये तो रही मंगल की रात की बात, सुबह से आपको रिजल्ट मिलना चालू होगा। अब आएगा बुध, अगर मंगल को करते हैं तो अगला दिन बुध आएगा, शनिवार को करते हैं तो रविवार आएगा, यानी अगले दिन की रात को आपको पुनः जाना है, और उस कपड़े में कपूर लगा के आग लगा देना रात को, चुपचाप चले आना। बस इतनी सी छोटी सी क्रिया, जिसके लिए आप लाखों रुपए फूंक चुके थे, इधर उधर भटक चुके थे, तमाम ओझा बाबा मुल्ला मौलाना पंडितों के पास दरबारों के चक्कर लगा के थक चुके थे, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के चक्कर लगा के थक चुके थे, आप एक बार इसे करके देखिए। मुझे उम्मीद है आपका परिवार अगर है तो मेरा परिवार है, आप सुखी तो हम सुखी। हमारे चमत्कार को नमस्कार के समस्त प्रकार के जितने भी दर्शक हैं, इस प्रयोग को करने के बाद ये नहीं कहेंगे कि गुरु जी ये कभी निष्फल गया। आदेश, जय श्री राम।